इसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट तो सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन क्या होता है वेस्ट कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ये एक वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस का एक पार्ट होता है वेस्ट कलेक्शन इट इज ट्रांसफर ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज एंड डिस्पोजल टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट और लैंडफिल्स तो जब हम जब हम सॉलिड वेस्ट को ट्रांसफर करते हैं जहां से वो जनरेट हुआ है वहां से लेकर लैंडफिल लैंडफिल तक या जहां पे हमको उसका ट्रीटमेंट करना है वहां तक जब हम सॉलिड वेस्ट को ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन ये पूरा इसमें आ जाता है एंड वेस्ट कलेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स द कर्ब साइड कलेक्शन ऑफ रिसाइकलेबल मटीरियल्स दैट टेक्निकली आर नॉट वेस्ट एज अ पार्ट ऑफ म्यूनिसपल लैंडफिल डाइवर्जन प्रोग्राम तो वेस्ट कलेक्शन में जो कर्ब साइड जो रोड सड़क के किनारे हमारा जो वेस्ट होता है वहां का कलेक्शन भी हम इसी में ले, ले लेते हैं वेस्ट कलेक्शन में ले लेते ले हैं ले ले जो उस कचरे को इकट्ठा करते हैं हम तो वो भी वो भी हमारा वेस्ट कलेक्शन में आ जाता है उसके बाद हम कलेक्शन सिस्टम के क्लासिफिकेशन को देखें तो दो तरीके का होता है प्राइमरी कलेक्शन होता है एक और एक होता है सेकेंडरी कलेक्शन तो प्राइमरी कलेक्शन इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट टू द फाइनल डिस्पोजल साइट जब हम एक जहां से सोर्स जनरेट हो रहा है वहां से लेके फाइनल डिस्पोजल साइट तक जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो प्राइमरी कलेक्शन में आ जाता है बट मोर ऑफन इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन टू कम्युनिटीज कम्युनल कलेक्शन बीन्स और पॉइंट्स प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट स्टेशन तो जो हमारे कम्युनल कलेक्शन होते हैं बीस वगैरह से डस्टबीन्स वगैरह से या ऐसे पॉइंट जहां पर कि कम्युनिटी एक पूरे इलाके डिस्पोर

ले जाने को हम सेकेंडरी कलेक्शन बोलते हैं तो प्राइमरी कलेक्शन क्या होगा कम्युनिटीज़ वगैरह से या सोर्स ऑफ जनरेशन से लेके हम ट्रांसफर स्टेशन तक गए ये हो गया हमारा प्राइमरी कलेक्शन और उसके बाद जब हम इसको लेके गए ट्रांसफर स्टेशन से फाइनल डिस्पोजल साइट पे लेके गए जब हम ट्रीटमेंट प्लांट तक तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी कलेक्शन तो हमारी जो बेसिक कलेक्शन स्कीम होती है वो दो तरीके से दो तरीके पे बेस्ड होती है या तो वो जो हमारी सर्विस है उसकी अवेलेबिलिटी पे बेस्ड होगी या ऑपरेशन पे बेस्ड होगी कि किस तरीके का ऑपरेशन किया जा रहा है तो अगर हम सिस्टम्स देखें तो कम्युनल सिस्टम होता है सर्विस पे अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो कम्युनल सिस्टम हो सकता है ब्लॉक कलेक्शन हो सकता है कर्ब साइड या एली उसको बोल सकते हैं उस सिस्टम को या डोर टू डोर कलेक्शन आप कर सकते हैं जाके इसके बाद अगर ऑपरेशन की बात करें तो हॉल्ड कंटेनर हो सकता है सिस्टम या फिर स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम हो सकता है तो कम्युनल सिस्टम क्या होता है अब ये जैसे आप देखिए ये हम सर्विस ऑफ अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कम्युनल सिस्टम पढ़ेंगे फिर वन बाय वन ब्लॉक कर वो डोर टू डोर देखेंगे और उसके बाद हम कंटेनर्स भी देखेंगे तो सबसे पहले कम्युनल सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो यूजर ब्रिंग देयर गार्बेज टू कम्युनिटी बीस दैट आर प्लेस्ड एट फिक्सड पॉइंट इन अ नेबरहुड और लोकेलिटी तो यूज़र जो रहते हैं जो भी हमारे यूजर्स होते हैं वो अपना कचरा जो है वो कम्युनिटी बीन्स तक लाते हैं और कोई भी फिक्स्ड पॉइंट होता है उनके आस पड़ोस में नेबरहुड में वहाँ पर वो ला के छोड़ देते हैं उस कचरे को यूज़र एम एस डब्ल्यू इज पिक्डअप बाय द म्युनसिपैलिटी जो हमारा म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट होता है वो म्यूंसिपैलिटी के द्वारा उसको पिक किया जाता है और या फिर कोई उसका उसका और उसका हम एक डेजिग्नेटेड स्केड्यूल बनाते हैं कि ये इतने बजे तक आएगी गाड़ी और उतने बजे तक फिर वहां से वो कचरा ले जाएगी तो एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्केड्यूल की तरह तहत ये पूरा आ, काम होता है द द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ कम्युनल सिस्टम का एक एक जो एक एडवांटेज है वो ये कि इज दैट इट कंटेनर्स कलेक्शन पॉइंट्स आर लोकेटेड इन अ पब्लिक प्लेस तो ये जो कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं ये किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं लेकिंग ऑनरशिप बाय द पब्लिक और इसके कारण ये क्या होता है पब्लिक प्लेस पे होता है तो इसकी ऑनरशिप जो रहती है वो किसी पब्लिक की रहती है मतलब पूरी पब्लिक की रहती है विच इन मेनी सिचुएशन लीड्स टू इन डिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आउटसाइड द कंटेनर तो कई बार क्या कचरे जो हमारे जो कंटेनर होता है उसके बाहर भी लोग कचरा वचरा फेंक जाते हैं क्योंकि पब्लिक में तो है तो मतलब पब्लिक साइट है तो ज़्यादा लोग लोड लेते नहीं है कहीं पर कचरा फेंक रहे फेंक रहे होते हैं तो एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है इसका कम्युनल सिस्टम का उसके बाद दस द एक्चुअल इकोनॉमी ऑफ दिस सिस्टम मोस्टली डिपेंड अपॉन द पब्लिक काऑपरेशन तो जो इसकी इकोनॉमी जो रहेगी कम्युनल सिस्टम की वो डायरेक्ट टू तो पब्लिक पर डिपेंड करेगी कि पब्लिक कितना कॉपोरेट कर रही है कॉपोरेट कर रही है अगर वो अंडरस्टैंड बाहर कचरा फेंकेंगे तो उसके बाद आपकी इकानमी भी बढ़ती जाएगी उसको समेटने में आपको खर्चा भी ज़्यादा लगेगा आपको पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल हो जाएगा उसका कलेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी पब्लिक के कॉपरेशन पर डिपेंड करती है इट इज़ देयर फॉर असेंशियल टू पे मोर अटेंशन टू इम्प्रूविंग द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन एंड मैंटेनेस प्रैक्टिस ऑफ अ कम्यूनल सिस्टम टू इंक्रीज पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड टू ऑप्टीमाइज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम तो अगर हमको इस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पब्लिक का कॉपरेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा पब्लिक को इसको एक्सेप्ट कर सके इसके लिए हमको इसके ऑपरेशन वगैरह इसका मैंटेनेंस वगैरह और इसमें इसका इम्प्रूव इसका हमको पूरा टोटल तोर, डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से हमको रखना पड़ेगा ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट कर सके के, कर पाए एंड द यूज ऑफ पोर्टल स्टोरेज कंटेनर्स मैक्सिमाइज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड व्हीकल्स ऑफ सच कलेक्शन सिस्टम तो अगर हम पोर्टल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले इस तरीके का अगर स्टोरेज कंटेनर अगर हम रखें तो इसके कारण हमारे जो लेबर्स रहेंगे और जो हमारे व्हीकल रहेंगे कलेक्शन सिस्टम में जो लेबर मजदूर जो कचरा इकट्ठा करते हैं और जिन जिन व्हीकल्स के थ्रू हम लेके जाते हैं जिन वाहनों के थ्रू हम लेके जाते हैं कचरे को उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर हम पोर्टल स्टोरेज कलेक्ट कंटेनर्स का उपयोग करेंगे तो उसके बाद हमारे आते हैं ब्लॉक कंटेनर्स ब्लॉक कलेक्शन ब्लॉक कलेक्शन में क्या आता है कि ब्लॉक कलेक्शन जनरेटर्स डिलीवर द वेस्ट

उसको डायरेक्ट डिस्पोजल साइट तक ले जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन साइट तक जो भी जनरेटर है वो ही लेके जाता है या फिर वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करता है या फिर म्यूंसिपालिटी को ही पैसा देता है ताकि वो उनका कचरा जो है वो ट्रांसफर स्टेशन तक ले जा सके उसके बाद वेस्ट जनरेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग देयर वेस्ट टू द कलेक्शन व्हीकल तो कलेक्शन व्हीकल तक लाने के लिए जो वेस्ट जनरेटर होता है वो खुद ही वो ही खुद रिस्पॉन्सिबल होता है वो खुद जिम्मेदार होता है uh, कि उसका कचरा कलेक्शन व्हीकल तक जा जाना चाहिए दिस सिस्टम हैज लो मीडियम लेबर एंड व्हीकल प्रोडक्टिविटी बट इट मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ वेस्ट ऑन स्ट्रीट्स तो इसमें जो हमको मतलब जो लेबर रहते हैं वो मीडियम पहले तो लगेंगे ही और जो हमारी व्हीकल की प्रोडक्टिविटी रहेगी वो भी लो से मीडियम रहेगी लेकिन इसके कारण एक चीज़ मैक्सिमाइज हो जाती है और वो ये कि आपको सड़कों पे कचरा नहीं दिखेगा उसके बाद जो कर्ब साइड या एली होता है कर्ब साइड या एली में क्या आता है इम्पॉर्टेंट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कलेक्शन मेथड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो भी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कि बहुत सारी इंडस्ट्री है वहाँ ये बहुत कॉमन होता है एंड इन वेल्दियर कम्युनिटीज जो भी पैसे वाले लोगों की कम्युनिटी होती है वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोग में होता है ये कर्ब साइड या एली वाला सिस्टम वेस्ट जनरेटर्स प्लेस द वेस्ट कंटेनर्स और बैग्स ऑन द कर्ब मतलब हर चौराहे पे सड़क के किनारे जो कर्ब्स होती हैं वहाँ पे वेस्ट के कंटेनर रख दिए जाते हैं या बैग्स रख दिए जाते हैं या रैक्स बना दी जाती है या फिर एली बना दी जाती है ऑन स्पेसिफिक डे फॉर कलेक्शन बाय एक्सटर्नल एक्टर्स तो बाहर के लोग आते हैं और फिर वो उस कचरे को जो लेके उठा कर चले जाते हैं तो वो एलीज में वहाँ पे कचरा रख दिया जाता है और रेगुलर एंड वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन सर्विसेज इसेंशियल सो देट जनरेटर नो एक्जैक्टली वैन टू लीव आउट देयर वेस्ट तो एक उसके लिए हमको इन अगर हम कर्ब साइड या एली का सिस्टम uh, यूज कर रहे हैं तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहता है एक वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन सर्विस जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि जनरेटर्स को पता चले कि हमको कब कचरा बाहर फेंकना है ताकि हम कचरा फेंके तो लोग उसको उठा के लेके जाए उसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन तो अब सिंपल है नाम से ही समझ में आता है कि वेस्ट कलेक्टर विजिट ईच इंडिविजुअल हाउस टू कलेक्ट गारबेज द यूजर जनरली पेस अ फी फॉर दिस सर्विसेज उसके बाद क्या आता है जो वेस्ट कलेक्शन करने वाले होते हैं जो लोग वो अलग एक एक घर में जाते हैं और वहाँ पर फिर वहाँ से कचरा इकट्ठा करते हैं और जो भी यूजर होते हैं वो उनको पैसे देते हैं ताकि उनकी सर्विस वो ले सके दिस इज़ मोर कॉमन इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रलाइज्ड कंट्रीज जो भी कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ पे बहुत कॉमन है ये बट ऑन बट एन इंक्रीजिंग

सो दिस सिस्टम जो है इसको अभी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन तो नहीं मिला है पर जो हमको बैग्स वगैरह जो यूज़ आते हैं ये ये हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है वेस्ट की जो क्रू की ये उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है ये और मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वेस्ट का हम कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो कंटरे जो कंटेनर्स होते हैं हमारे इसमें उसका रिट्रीवल हमको नहीं करना पड़ रहा है मतलब बार बार उसको जो हमारे कंटेनर्स है उनकी साफ़ सफाई का खर्चा बच जाता है क्योंकि कंटेनर्स लग ही नहीं रहे क्योंकि लोग बस घर पे आ रहे हैं और आपका कचरा लेके जा रहे हैं तो बस उनका एक ही कंटेनर रहता है उनका बड़ा गाड़ी में या तो कचरा ले जाते हैं वो तो एक रिट, उनका रिट्रीवल उसका लोड भी नहीं रहता है उसके बाद जो आते हैं हमारे हॉल्ड कंटेनर्स तो हॉल्ड कंटेनर्स क्या होते हैं एन एम टी स्टोरेज कंटेनर्स नोन एज ड्रॉप ऑफ बॉक्स इसको ड्रॉप ऑफ बॉक्स भी बोलते हैं ये एक स्टोरेज कंटेनर होते हैं आपने चौराहे पे देखे होंगे बहुत सारे जो मतलब हमारे जो कंटेनर्स जो रखे हुए रहते हैं उनको हॉल्ड कंटेनर्स ही बोलते हैं तो वो हॉल्ड दीज दीज आर हॉल्ड टू स्टोरेज साइट टेक प्लेस द कंटेनर दैट इज फुल ऑफ वेस्ट विच इज देन हॉल्ड टू प्रोसेसिंग प्लांट ट्रांसफर स्टेशन और डिस्पोजल साइट्स तो उन उन कंटेनर्स को क्या करते हैं जब वो उनमें कचरा भरा जाता है तो उनको हॉल्ड मतलब खींच के हम हॉलिंग मैकेनिज्म के थ्रू उनको खींच के ट्रक वगैरह से लेके जाते हैं और डिस्पोजल साइट पे ले जाते हैं उसको तो टाइम रिक्वायर्ड रहता है जो पर ट्रिप वो होता है उसका एक फॉर्मूला है THCs हॉल्ड कंटेनर्स का जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड रहता है एक ट्रिप में वो होता है PTCs प्लस क्यू प्लस एम प्लस एन एक्स तो अब यहाँ पे टी और क्यू और एम और एन और एक्स क्या क्या होते हैं तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा टाइम पर ट्रिप फॉर हॉल्ड कंटेनर सिस्टम ये होता है हमारा THCs फिर पीटीएचसी क्या होता है पिकअप टाइम पर ट्रिप फॉर हॉल्ड कंटेनर सिस्टम आवर पर ट्रिप ये भी होता है इसमें होता है यूनिट में और क्यों क्या होता है एट साइड टाइम एट साइड टाइम पर ट्रिप एक ट्रिप में एट साइड कितना टाइम लगा एम क्या हो गया हमारा एम्पेरिकल हॉल कांस्टेंट हो गया एक और एन क्या हो गया हमारा एम्पेरिकल हॉल कांस्टेंट हो गया ये भी एक तरीके का उसके बाद एक्स क्या होगा ये राउंड ट्रिप हॉल डिस्टेंस हो गई हमारी तो किलोमीटर पर ट्रिप में आएगी मतलब कुल मिला के अगर वो आपसे टाइम रिक्वायर्ड पर ट्रिप पूछे तो जितने भी क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ रहे हैं उन सभी को एड कर देना है हमको तो हमको टोटल टाइम रिक्वायर्ड पर ट्रिप मिल जाएगा उसके बाद जो पिकअप टाइम रहता है पर ट्रिप का वो पी टी ची पी टी एच सी एस उसको उससे हम डिनेट करेंगे और वो कैसे निकलेगा वो निकलेगा हमारा पी सी प्लस यू सी प्लस डी बी सी से तो पी सी क्या होता है पिकअप टाइम पर ट्रिप और यूसी क्या होता है टाइम रिक्वायर्ड टू अनलोड एम कंटेनर और डी क्या होता है एवरेज टाइम स्पेंड ड्राइविंग बिटवीन कंटेनर लोकेशंस आवर पर ट्रिप और इसको हम लोकली डिटर्माइंड किया जाता है इसको तो अगर वैल्यूज दी जाए तो आप सिंपली इस फार्मूले से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं द नंबर ऑफ ट्रिप्स दैट कैन बी मेड पर व्हीकल पर डे विद अ हॉल्ड कंटेनर सिस्टम इंक्लूडिंग अ फैक्टर टू अकाउंट ऑफ ऑफ रूट एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड यूजिंग तो एक ये फार्मूला है एनडी इज इक्वल टू इन इस फॉर्मूले का आप यूज करके आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको यूज करके आप नंबर ऑफ ट्रिप्स भी निकाल सकते हैं तो ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमको ऑब्जेक्टिव में उसके बाद आते हैं हमारे स्टेशनरी कंटेनर्स तो स्टेशनरी कंटेनर्स जो होते हैं ये ये जो कंटेनर्स होते हैं हमारे इन दिस सिस्टम कंटेनर्स यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट रिमेन एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन इसमें मतलब पहले हमारे जो थे वो हॉल्ड कंटेनर थे उनको उनको हॉल करके हम स्टेशन ट्रांसफर स्टेशन तक ले जा सकते हैं लेकिन स्टेशनरी कंटेनर्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं एक ही जगह पे फिक्स होते हैं और यहाँ पे सिर्फ कचरा डाल सकते हैं और फिर इसमें से निकाल के हम बाद में कचरा ले जाके उसको हॉल करते हुए ले जाएंगे सो इन दिस सिस्टम कंटेनर्स यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट रिमेन एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन तो ये वही पॉइंट ऑफ कलेक्शन पे ही रहते हैं द कलेक्शन व्हीकल जनरली स्टॉप अलॉग साइड द स्टोरेज कंटेनर्स एंड कलेक्शन क्रीज लोड द वेस्ट वेस्ट फ्रॉम द स्टोरेज कंटेनर्स इन टू द कलेक्शन व्हीकल्स एंड देन ट्रांसफर टू द वेस्ट टू द प्रोसेसिंग और ट्रांसफर और डिस्पोजल साइट तो बस स्टेशनरी कलेक्शन कलेक्शन के पास कलेक्टर्स कले, स्टेशनरी कलेक्ट कंटेनर्स के पास जाते हैं लोग और फिर वहाँ से कचरा निकालते हैं और फिर उसके बाद अपने कंटे अपने व्हीकल में डालते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से वो लेके जाते हैं तो उसके इसका भी सिंपल एक फार्मूला है इस फार्मूले को सिंपल आप देख सकते हैं सेम फार्मूला है उसके बाद आप उसका यूज़ करके अगर क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ रहे हैं तो आप उनका यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है और इन सभी को कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ के अगला क्वेश्चन पर स्किप करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें उसके बाद आता है उसके बाद और भी हमारे कुछ फॉर्मूले फॉर्मूले दिए हुए हैं जैसे पिकअप टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है पर ट्रिप वो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद हमारा सी इसमें एक सी सेवन एक चीज़ निकलेगी वो सी सेवन किस तरीके से निकलेगा आप ये देख सकते हैं तो दीज आर सम फॉर्मूलेस विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर पी एच डी लेवल एजुकेशन बट नॉट फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सो आई एम लीविंग फॉर दिस नाउ एंड जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन होता है उसके बारे में हम कुछ जानकारी जुटा लेते हैं जो द चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ स्टोरेज एंड कलेक्शन पॉइंट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन जो हमारे लोकेशन जो हम कलेक्शन का पॉइंट कहाँ पे रखेंगे या स्टोर कहाँ पे करेंगे हम कचरे को वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है एक्सेस टू द प्रॉपर्टी मतलब हाउसिंग वगैरह हम मतलब जो हमारे घर वगैरह हैं वहाँ से, से पास में ही हों ताकि बहुत दूर ना जाए तो ऐसी जगह पर अगर हम कलेक्शन पॉइंट रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं प्रॉपर्टी के वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा पॉइंट ऑफ कलेक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज तो वेस्ट मैनेजमेंट के रिसोर्सेज मतलब लोग मजदूर वगैरह वहाँ से मिल जाए वहाँ पर कचरा वगैरह इकट्ठा करने के लिए हमको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएँ तो इन सभी चीज़ों पर पॉइंट ऑफ कलेक्शन की लोकेलिटी डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी ऑफ वेस्ट कलेक्शन देखें तो हम क्वान्टिटी कितना जनरेट हो रही है और रेट ऑफ जनरेशन क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट क्या है क्लाइमेट क्या है डेंसिटी क्या है हाउसिंग की मतलब कितने पास पास में है घर वहाँ पे कितने लोग वहाँ रह रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जगह कितनी नहीं है वहाँ पर गाड़ियों के निकलने की है या जगह नहीं है तो इन सारी चीज़ों पे वेस्ट कलेक्शन डिपेंड करता है फिर किस टाइप का वेस्ट जनरेट हो रहा है किस टाइप की स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पे है स्मॉल है लार्ज है इंडिविजुअल है या कम्युनिटी वाइज कचरा वहाँ पे जनरेट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें और जो जनरेटर्स का एटीट्यूड है मतलब कि वो जो कचरा फैला रहे हैं उनका क्या एटीट्यूड है अगर उनको मतलब प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट वो खुद चाह रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी के लिए तो वो भी एक वेस्ट कलेक्शन की फ्रिक्वेंसी पर ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती है वेस्ट कलेक्शन सिस्टम में एक लेबर के कारण प्रॉब्लम होती है कि लेबर जो रहते हैं हमारे वो अनस्किल्ड रहते हैं उनको कचरा इकट्ठा करने की कोई स्किल्स उनमें रहती नहीं है जैसे तैसे काम कर रहे होते हैं हाई टर्न ओवर रेट्स उनके जो टर्न ओवर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं टेम्प्रेरी होते हैं ये लेबर्स तो वो कभी भी अपनी नौकरी जब उनका मन होता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं फिर कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं फॉर मैकेनिकल रिप्लेसमेंट और मैनुअल लेबर तो कुछ चीज़ों को हमको मैकेनिकली रिप्लेस करना पड़ता है मतलब मज़दूरों का काम मशीनें कर लगती है या और मज़दूर, मतलब मशीनों का काम मजदूर करने लगते हैं तो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स विच कम्स रिगार्डिंग टू द लेबर्स अगर किसी को कोई चोट लग गई या कोई बेकार कंडीशन है जैसे लोग नदी नालों में कूद कूद के सफाइयाँ कर रहे होते हैं आपने देखे होंगे इस तरीके के वीडियोस भी आते रहते हैं जनरली तो ये सारी चीज़ें जो पुअर वर्किंग कंडीशंस में किसी को चोट लग जाती है फिर लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है ना मतलब अगर कोई कचरा सफाई कर्मचारी है तो वो सफाई ही करता रहेगा लाइफ टाइम देर इज़ नॉट लाइक मतलब आप ऐसे बहुत ऊँचे पद पर नहीं जा सकते हैं इस काम को करके तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है फिर लेबर जो रहता है वो इंटेंसिव रहता है काफ़ी और उसके बाद व्हीकल की प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ कि जैसे व्हीकल की प्रॉब्लम्स क्या आती है फॉल ऑफ ट्रक्स हो जाते हैं ट्रक इधर उधर गिर जाते हैं कचरे कचरा लेके जाते हैं तो कभी कार के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है इनका ट्रकन का या फिर डिस्पोजल जो रहता है इन अप्रोप्रिएट होता है वेस्ट का मतलब इधर उधर कचरा पड़ा हुआ रहता है फिर वहाँ से गाड़ी घुस नहीं पाएगी गड़िया गलियाँ वगैरह हो जाएगी तो फिर लिफ्टिंग इंजरीज मतलब कचरा उठाने में अगर आपको इधर उधर लग जाए तो वो व्हीकल की प्रॉब्लम्स आती है ऑन स्ट्रीट कंटेनर से पैसेंजर प्रॉब्लम्स भी होती हैं फिर जो सड़क के किनारे जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उसमें उसमें पैसेंजर प्रॉब्लम्स भी होती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है फिर कलेक्शन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं तो अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो ये इन कंपोनेंट्स को हमको ध्यान रखना पड़ेगा द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग तो ये ये चीज़ें हैं ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को अफेक्ट करती है कलेक्शन पॉइंट्स जो रहते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कलेक्शन कलेक्शन सिस्टम को दिस अफेक्ट सच कलेक्शन सिस्टम्स कंपोनेंट एज क्रीव साइज एंड स्टोरेज विच अल्टीमेटली कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन तो ये अफेक्ट करते हैं कलेक्शन सिस्टम को साइज के लिए और स्टोरेज के लिए जो कि अल्टीमेटली क्या करता है कंट्रोल करता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को तो कलेक्शन पॉइंट इस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को अफेक्ट करते हैं उसके बाद नोट दैट द कलेक्शन पॉइंट डिपेंड ऑन लोकेलिटी एंड मे बी रेसिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर यह भी आता है कि जो कलेक्शन पॉइंट होते हैं वो लोकेलिटी में पे डिपेंड करते हैं रेसिडेंशियल पे रेसिडेंसी वहाँ पे कैसी है कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है इन सभी चीज़ों पर वो डिपेंड करते हैं फिर कलेक्शन फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है कलेक्शन मतलब ये भी एक कलेक्शन फ्रिक्वेंसी जिसके बारे में हमने बात की थी वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं वो भी कर सकते हैं प्रॉपर कंटेनर सिलेक्शन कैन सेव कलेक्शन एनर्जी इंक्रीज द स्पीड ऑफ कलेक्शन एंड रिड्यूस क्रियोसाइट तो हमको ज़्यादा लोग नहीं लगेंगे अगर हम प्रॉपर एक कंटेनर सिस्टम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगेगी और जो हमारा स्पीड है कलेक्शन की वो भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको उपयोग कर सकेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेनर्स होते हैं देट दे शुड बी फंक्शनल फॉर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ मटीरियल्स एंड कलेक्शन व्हीकल यूज तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो कंटेनर है हमारा वो प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए वो किस तरीके का वेस्ट उसमें रहेगा किस टाइप के मटीरियल उस उसमें वेस्ट में वाले हैं ये हमको पता होना चाहिए और किस तरीके का जो कलेक्शन व्हीकल हम यूज कर रहे हैं वो भी प्रॉपर हमारा अच्छा हमको मतलब मालूम होना चाहिए फिर कंटेनर शुड ड्यूरेबल जो कंटेनर्स हैं हमारे उसको ड्यूरेबल भी होना चाहिए उसको हम ईजिली हैंडल भी कर सकें और इकोनॉमिकल हो ज्यादा महंगा भी नहीं हो और एज वेल एज रेसिस्टेंट टू द करोशन ऐसा नहीं हो कि उसमें जंग लग जाए उसमें कचरा डाले हम तो और वेदर जो है हमारा मतलब बाहर से बारिश आए तो उसमें जंग ना लग जाए फिर एनिमल्स वगैरह उसमें घुस ना पाए ताकि मतलब वरना उसको और ज्यादा वो छिता दें मतलब ज्यादा इधर उधर फैला दें तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए स्टोरेज कंटेनर्स के बारे में उसके बाद जो हमारा कलेक्शन क्रू है वो वो किस किस टाइप का होना चाहिए द क्रू साइज़ फॉर कॉमनली डिपेंड्स ऑन द लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट कलेक्शन मेथड्स एंड रूट कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारा जो क्रू है पूरा टोटल जो हमारे लेबर्स का क्रू है वो उसका साइज कितना होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके इक्विपमेंट कॉस्ट कितनी है आपकी मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है और आपके रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका रूट रास्ता कैसा है तो अलग अलग रास्ते पे अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे नंबर ऑफ़ क्रू मेंबर्स लगेंगे तो वो डिपेंड uh, करेगा द साइज ऑफ कलेक्शन क्रू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ कलेक्शन व्हीकल यूज तो किस तरीके का वहीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसके साइज पर भी कलेक्शन क्रू की संख्या डिपेंड करेगी किस कितनी जगह है वहां पर घरों के बीच में कितनी जगह है उस पर भी कलेक्शन क्रू डिपेंड करेगा अब ऐसा नहीं है कि दो घरों के बीच में दो मीटर जगह है और आपने वहाँ पे पचास आदमी भेज दिया कलेक्शन के लिए तो इट इज लाइक दैट तो ये इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा उसके बाद कलेक्शन रूट के क्या क्या, क्या uh, मतलब इंपॉर्टेंट कलेक्शन रूट से क्या पूछ सकता है वो तो कलेक्शन रूट के बारे में हमको इतना पता होना चाहिए कि एन एफिशिएंट रूटिंग ऑफ कलेक्शन व्हीकल्स हेल्प डिक्रीज कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द लेबर एक्सपेंडेड फॉर कलेक्शन एन एफिशियंट एक रूटिंग जो होता है कलेक्शन के लिए वो मतलब क्या होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि वो लेबर की कॉस्ट हमारी रिड्यूस कर दे है ना और कलेक्शन जो है उसको हमारा बढ़ा दे प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कलेक्शन रूट आल्सो हेल्प कंजर्व एनर्जी अगर हम कलेक्शन रूट की प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हमारी जो एनर्जी रहेगी वो कंजर्व रहेगी और हमारे वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो कम हो जाएंगे और व्हीकल का फ्यूल जो हमारा खर्चा होगा फ्यूल uh, का जो पेट्रोल वगैरह का डीजल वगैरह का होगा खर्चा वो हमारा कम हो जाएगा इट इज नेसेसरी देयर टू डेवलप डिटेल्ड रूट कन्फिग्रेशन एंड कलेक्शन स्केड्यूल्स फॉर द सिलेक्टेड कलेक्शन सिस्टम तो ये हमको सिलेक्टेड कलेक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक डिटेल्ड रूट जो अगर पूरा रास्ता हमको कहाँ से कैसे क्या गाड़ी जाएगी एक डिटेल्ड रूट का प्लान हमारे पास होना चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर कलेक्शन स्केड्यूल्ड एक रूट बना सकें और जहाँ से गाड़ी जाएगी तो हमको पूरा पता चल चलेगा कि मतलब कहाँ से रोड्स है क्या है कितना पेट्रोल लगेगा ये सारी चीज़ें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें द साइड ऑफ ईच रूट हावेवर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वेस्ट कलेक्टेड पर स्टॉप तो जो हमारी हर रूट पे जो जो जिस जो हमारे हर रूट का साइज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना वहां पे वेस्ट उस स्टॉप पे कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कितना वेस्ट वहां से कलेक्ट किया जा रहा है और उन स्टॉप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है उनमें फिर वहां पे लोडिंग टाइम कचरा डालने में कितना टाइम लग रहा है और फिर ट्रैफिक कंडीशन वहां पर बहुत सारे ट्रैफिक्स तो मतलब गाड़ियां तो नहीं है चल रही है तो इन ट्रैफिक कंडीशन पे भी हर रूट पे साइज हमारा डिपेंड करेगा और जो बैरियर्स होते हैं जैसे कि रेल रोड हो गई एम्बैंकमेंट हो गई नदी हो गई रोड हो गई या हेविली ट्रैफिक वाली जगह हो गई उनको वहाँ से हमारी गाड़ियों को भेजने की बजाय हम एक डिवाइडेड रूट अगर टेरेटरी अगर हम एक दूसरा रास्ता निकाल सकें तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारा फायदेमंद